मुजफ्फरनगर तहसील खतौली विकास खंड शाहपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत पुरा से नव निर्वाचित प्रधान श्रीमती अर्चना पत्नी रवि त्यागी व उनके सभी परिजनों ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। हमारे संवाददाता शाहिद अब्बासी ने नव निर्वाचित प्रधान श्रीमती अर्चना के कुछ परिजनों व समर्थकों से की बात। आपका नाम? शमशाद अली। कौन से गांव में रहते हैं आप? गांव पूरा। ये बताइए, यहाँ पे जो प्रधान हो उनका नाम? रवि त्यागी। ये बताइए, यहाँ पर क्या लोगों ने बताया, गांव के लोगों ने, कि 20-30 सालों से पहले से ही सेवा करते आ रहे हैं गांव की? गांव का अच्छा कार्य किया, पहले भी इलेक्शन लड़े इन्होंने। अच्छा अच्छा। और मतलब गांव में किसी बात की कोई दिक्कत नहीं? कोई गांव में क्या हिंदू मुस्लिम के प्रति यहाँ पर कोई ऐसा मामला है क्या? सबका कोई, सबका साथ सबका विकास, सबका किसी तरीके कोई किसी की मदद, जैसे यहाँ पर सुनने में आया है कि उनका घर है वो उपस्थिति में, कोई भी शादी करे कोई भी आई है, जनरेटर भी उपलब्धि में रखवा रखा है और गाड़ी भी खड़ी रहती है, क्या सेवा में 24 घंटे उपलब्ध रहता है? किसी टाइम आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उनके बताया गाँव में जो बड़े भाई हैं उनका नाम विनोद जी है, क्या वो उपस्थिति में रहते हैं यहाँ पर? कोई भी यहीं पर रहते हैं, कोई बात होती है तुरंत सुनवाई होती है? क्या नाम बताया उनका? विनोद। विनोद जी, ठीक है। ये बताइए, आप कौन से गांव में रहते हैं? पूरे में जी। ये बताइए, यहाँ पर जो प्रधान बने उनका नाम बताइए? रवि प्रधान जी। अच्छा, क्या उनको यहाँ पर सभी लोगों ने वोट दिया है? जी। आखिर यहाँ पर गरीबों के प्रति वो उनका परिवार काम करता है लोगों के प्रति, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाला कोई काम नहीं है? नहीं जी, कोई काम। बताइए उपस्थिति में क्या क्या काम कराते हैं गरीबों के प्रति? वो जो भी बहुत काम, जो भी सेवा में आते हैं वही काम करवाते, लोगों की मदद भी करते हैं? लोगों की मदद भी करते हैं। अगर आप लोगों को काम पड़ जाए तो आखिर कौन आपको मिलते हैं यहाँ पर? उनके क्या लगते हैं प्रधान जी भाई, वो क्या वो समस्या का समाधान करते हैं जो भी समस्या होती है? हाँ जी, कोई भी मदद की बात होती है? कोई भी मदद हो, किसी तरीके का कोई भेदभाव वाला मुद्दा है? नहीं जी, कोई। ठीक। कहाँ रहते हो आप? गांव पूरा। ये बताइए, यहाँ पर जो प्रधान हुए हैं उनके बड़े भाई हैं, कौन प्रधान हुए हैं यहाँ पर? यहाँ पर अभी क्या भी है जी। अच्छा, उनके बड़े भाई का क्या नाम है? क्या वो लोगों के प्रति काम करते हैं यहाँ पर गाँव में? बिल्कुल करते हैं, यहाँ पर बहुत काम होते हैं इनकी घेर में, यहाँ पास में भी लोगों की मदद भी करते हैं, जैसे बरात रोकते हैं वो सब यहाँ इंतजाम करते हैं, जनरेटर ला कर रखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है इनकी जो गांव के लोगों के लिए काम आती है। ऐसा है, कौन से प्रधान के परिवार के? कौन से? सोमदत्त त्यागी के परिवार के जी। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे जो रहते हैं उपस्थिति में वो कौन है? रवि प्रधान रहते हैं उनके, रवि त्यागी जिनके जो भैया हैं यहाँ प्रधान जी, ये भी रहते हैं यहाँ पर विनोद त्यागी जी। ये क्या लोगों की ज़्यादा सेवा करते हैं यहाँ पर? हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम विभूत त्यागी है। अच्छा विभूत त्यागी जी, बताइए आप कौन से गांव में रहते हैं? जी हमारा गांव पूरा है। अच्छा, ये बताइए पूरा में जो प्रधान बने हैं उनका नाम बताइए। प्रधान जो है हमारे ताई जी जो है अर्चना त्यागी नाम है उनका। अच्छा अच्छा, उनके पति? पति रवि त्यागी है। अच्छा, कौन से गाँव के बीच प्रधान हुए हैं वो? जी ग्राम पूरा से, ग्राम पंचायत पूरा। कितनी वोटों से विजय हुए हैं? 35 वोटों से। उनकी पत्नी हुई है ना जी? क्या नाम बताया आपने? अर्चना त्यागी। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले गांव की व्यवस्था में काफ़ी यहां पर सुधार है, काफ़ी आप सबसे पहले गांव में क्या कराया है व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए? ऐसा है जी, अभी तक वैसे तो हमारा शपथ ग्रहण हुआ नहीं है, हाँ। अभी कोरम पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले भी हमने 2 बार सैनिटाइज करा चुके हैं गाँव को, साफ सफाई की व्यवस्था जो है सुचारू चल रही है रूप से, और जो है टेस्टिंग वगैरह के काफ़ी 2-3 कैंप हो चुके हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव हुई है 2, तो ये काफ़ी काम अभी तक हमने कुछ लोगों से हमने बात की है, उन्होंने बताया कि व्यवस्था दुरुस्त कराई गई है, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है गांव में, और गरीबों के प्रति हर चीज़ के लिए व्यवस्था क्या है कि हर माध्यम से किसी भी तरीके से घेर अपने पंचायत के माध्यम से किसी भी के मास्क लगाना बहुत जरूरी है कोरोना संक्रमण रोकने के लिए। अच्छा, ये जो ना 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, आपकी आपका गांव वासियों से ये संदेश है कि सभी अपने मास्क लगाकर ही दूरी बनाकर ही रहें? वो तो देख रहे हैं कोरोना मुक्त हो चुका है गांव हमारा, ऐसा नहीं है तो लोग सभी जानते हैं। अच्छा, आखिर जैसे आपका गांव मुक्त हुआ है, किसी तरीके संक्रमित जैसे लोगों की कोई शिकायत नहीं है, तो आखिर इसमें क्या करेंगे? आपने कितनी व्यवस्था दुरुस्त कराई है? क्या आप चुनाव से पहले ही व्यवस्था दुरुस्त कराने में लगे थे? जो प्रधान जी जो परिवार था उनका गांव में बताया कि उनका परिवार जो है सक्षम परिवार है और पूरा गांव का हर टाइम 24 घंटे साथ दिया आपने? अर्चना त्यागी। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले गांव की व्यवस्था में काफ़ी
यहाँ पर सुधार है काफ़ी। आप सबसे पहले गांव में क्या कराया है व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए? ऐसा है जी, अभी तक वैसे तो हमारा शपथ ग्रहण हुआ नहीं है और भी कोरम पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले भी हमने दो बार सैनिटाइज करा चुके हैं गांव को। साफ सफाई की व्यवस्था जो है सुचारू चल रही है रूप से, और जो है टेस्टिंग वगैरह के काफ़ी 2-3 कैंप हो चुके हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव हुई है 2, तो ये काफ़ी काम अभी तक हमने। कुछ लोगों से हमने बात की, उन्होंने बताया कि व्यवस्था दुरुस्त कराई गई है, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं। आपका नाम? विनोद कुमार। विनोद कुमार त्यागी जी, ये बताइए आप कौन से गांव में रहते हैं? पूरा गांव है, लोक साहपुर जिला मुजफ्फरपुर। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर जो प्रधान चुने गए हैं इस बार, कौन है वो आपके? श्रीमती अर्चना त्यागी है, मेरे छोटे रवि त्यागी, उनकी वाइफ। अच्छा, आपके भाई हैं वो छोटे। ये बताइए गांव को लेकर आपने कैसी व्यवस्था बताई है मुझे अभी, तो व्यवस्था दुरुस्त जो कराई है किस तरीके की व्यवस्था दुरुस्त कराई है? भाई ऐसा है कि जो भी सरकारी दिशा निर्देश आते हैं पेपर में पढ़ते हैं, जब तक तो ऑफिशियल भी कोई दिशा निर्देश नहीं आए, जो भी पेपर में या जो भी गांव वालों से सलाह मशवरा करते हैं भाई किसी समस्या का क्या समाधान होना चाहिए, जो भी बेस्ट लगता है दो आदमियों से बात करने के बाद उनसे लागू करते हैं। यहाँ पर व्यवस्था तो काफ़ी दुरुस्त है, सैनिटाइजर भी हमने पूछा है और सफाई व्यवस्था भी रोज़ हो रही है और घर घर जो सर्वे कर रही हैं, तो ये बताइए आखिर इतना जनता ने आपको प्यार दिया है तो क्या इस तरीके से आप काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, काफ़ी लोगों ने बताया कि इसी तरीके से जनता के बीच रहते हैं, जनता के साथ जुड़े रहते हैं, कोई यहाँ पर भेदभाव का मुद्दा नहीं होता किसी भी तरीके से? आप कोई भी व्यक्ति आपके पास आए जिसने आपको वोट दिया है, नहीं भी दिया है, आप उसकी हमेशा के लिए प्रशंसा करते हैं, जो भी उसकी ज़रूरत है आप उसके लिए खड़े रहते हैं, तो वो बताइए आप क्या पहले से ही समाज के लिए इस तरीके से सेवक? ये हमारे पिताजी जो 1987 से 1995 तक प्रधान रहे थे इस गाँव में, उनसे विरासत में मिली थी। अच्छा, उन्हीं को हम लोग पांडित बनते हैं। ये जो लोग कह रहे हैं वो उनके प्रति ही उनका प्यार है लोगों का, और उनकी अपेक्षा हम सब पूरा कराना चाहेंगे। हम नहीं जानते कि लोगों की अपेक्षाओं पर खड़े उतर पाओगे या नहीं, लेकिन प्रयास करेंगे कि हम पिताजी का नाम गंदा ना करें। नहीं, ये खरा उतरना कि आपने बड़ी अच्छी बात की है, पर इससे पहले तो आप बोरा के बच्चों में भी संभावना आ रही है। हमारे यहाँ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बहुत पुराना था, उसके बाद 1987-95 की चकबंदी में हॉस्पिटल के लिए जमा दी गई, उसमें एक हॉस्पिटल भी बन गया, लेकिन 4-5 बेड आराम से, लेकिन वो आज तक हैंड ओवर नहीं हो पा रहा, 3 साल से बनकर तैयार दम पड़ा है खाली, और उस जर्जर बिल्डिंग में बेड पड़े हैं, ना यूज है ना कुछ, बेड भी जड़ खा जाएंगे। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि उसका जो निराकरण हो, उसमें जो डॉक्टर हैं यहाँ पर आते हैं बेचारे, उस जर्जर बिल्डिंग में बैठते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि जो बिल्डिंग का जो भी विवाद है उसे सरकार निपटावे और उसे जो चालू करावे, और अगर सरकार को जरूरत हो वहाँ 3-4 बीघा जमीन और 5 बीघा थोड़े हिस्से में बना है, कुछ और जरूरत हो, कुछ बच्चों का हॉस्पिटल बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए हो तो। ये बताइए आप प्रधान जी के भाई हैं त्यागी जी, ये बताइए गाँव वासियों का कैसे आभार व्यक्त करना चाहते हैं? वैसे तो रवि त्यागी जो हैं और अर्चना त्यागी गाँव वालों के घर घर जाकर आभार व्यक्त कर चुकी है। अच्छा, लेकिन लोगों ने मेरे पर भी आपकी बातों से लगा कि लोगों ने मेरे पर स्नेह जताया, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने आप लोगों को प्यार किया, लोगों ने किसी ने दिया या नहीं दिया, मैं सब लोगों को धन्यवाद अदा करता हूँ। अच्छा, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, ये बताइए सरकार से जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना आएगी तो गरीबों को लाभ पहुंचाएंगे आप? मेरा तो सिर्फ इसमें मैं सराहित नहीं हूँ, पहली बात तो ये है यहाँ की गांव की पंचायत सभी लोग सज्जन चुका है, गांव का जो भी विकास होगा वो उन लोगों की सहमति से होगा, पंचायत की मीटिंगें जो होंगी, और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाई से भी, प्रधान से भी, सबसे ही कि भाई जो भी सरकार देती है वो हर आदमी तक पहुंच जाए, जो जरूरतमंद है, जो जरूरत जिसके लिए आता है उसे पहुंच जाए, जिस कैटेगरी के लिए भी जो भी उनका सामान है वो उन तक पहुँच जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने हक के मामले में बात की है, जो भी सरकार से कोई